दोस्तों बॉलीवुड के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने अपनी लाजवाब एक्टिंग और डांस से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। इन्होंने अपने करियर में 350 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन फिल्मों में कुछ हिट हुई कुछ फ्लॉप, लेकिन दोस्तों इतने महान और दिग्गज कलाकार का बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं के साथ 36 का आंकड़ा रहा। इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको उन अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे जिनसे मिथुन चक्रवर्ती का 36 का आंकड़ा रहा। तो कौन है वो अभिनेता, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बॉलीवुड के इस महान अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को मुंबई में हुआ। इन्होंने अपने करियर में काफी सुपरहिट फिल्में दी जिनमें मर्द, चांडाल, दलाल, डिस्को डांसर जैसी फिल्में शामिल है। वहीं अगर दुश्मनों की बात करें मिथुन दा के, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गोविंदा का। 1988 की बात है, जीते हैं शान फिल्म में मिथुन और गोविंदा दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती काफी डिसिप्लिन से अपना काम किया करते थे, तो वहीं गोविंदा इनके अपोजिट थे। हमेशा सेट पर लेट आना और ज्यादातर शूटिंग को कैंसिल कर देना ये उनकी आदत बन चुकी थी। उनकी इसी आदत से दुखी होकर फिल्म के डायरेक्टर केवल शर्मा ने मिथुन को बुलाकर लीड रोल दे दिया और दो गाने में भी मिथुन से परफॉर्म करवा लिया। इसी बात से गोविंदा और मिथुन की काफी बहस चली, तब से लेकर अब तक ये दोनों आपस में बात नहीं करते। नंबर दो, जितेंद्र। दोस्तों 1990 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई। इसी बीच मिथुन अपनी दूसरी फिल्म के लिए जितेंद्र के पास गए। उस वक्त जितेंद्र काफी फेमस एक्टर की गिनती में आते थे, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती जितेंद्र के पास काम के लिए गए थे। लेकिन जितेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से ये कहा कि तेरे बस की नहीं है फिल्मों में काम करना, जा चला जाए यहाँ से। ये बातें सुनकर मिथुन चक्रवर्ती काफी हताश हुए और लग गए अपने करियर को बनाने में, और उस दिन के बाद से अब तक ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को गोविंदा, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती में से किसकी फिल्में ज्यादा पसंद है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।